दवाखाने में हमारे पास तो एडमिशन फीस नहीं है डेंगू पेशेंट के लिए, अगर कोई भी हॉस्पिटल में एडमिटेड है तो रोज़ से 400 से 500 रुपये उसका खर्चा। तो हम लोगों को पहले ये डेंगू से बचने की ज़्यादा ज़रूरत है, डेंगू होने ही नहीं देना है। डेंगू होता किससे है? वायरस से। वो वायरस हमारे जिस्म में पहुँचता है एक मच्छर के से, एक छोटा सा मामूली सा मच्छर, जिससे हमें मालूम है कि कई सारी बीमारियाँ होते हैं, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, फाइलेरिया, काफ़ी बीमारियाँ हैं, मगर डेंगू जैसी सीरियस बीमारी भी एक साधारण मच्छर से ही होती है। और ये मच्छर ज़्यादा से ज़्यादा घर में जो हमारे पानी जमा होता है, जैसे कि झाड़, छोटे झाड़, टायर, कूलर का पानी, या खुला रखे सो घड़े का पानी, जो भी साफ सुफ या टैंक का पानी, ऐसे पानी में मच्छर पनपता है। तो हमें क्या करना है कि 5 या 6 दिन होने के बाद पानी को बदल के साफ धो के दूसरा पानी डालना है। दूसरी बात, शाम होते ही दरवाजे खिड़की बंद करना है, मच्छर से जितना होना है उतना बचना है। ख़ास करके वो घर या वो गली जिसमें ऑलरेडी डेंगू का पेशेंट है, एक मच्छर ऐसे पेशेंट को काटने के बाद वही मच्छर आपको हमको काटेगा तो कंपल्सरी डेंगू होने के चांसेस बढ़ते हैं। और डेंगू हर एक को काटने के बाद हर एक को नहीं होता, जिसकी कमजोरी जैसे कि बच्चे, बूढ़े, लेडीज, प्रेग्नेंट औरतें, इनको जल्दी इफेक्ट करता है, क्योंकि इनके पास ताकत थोड़ी कम रहती है, उनकी इम्यूनिटी जो अंदर से हमारी ताकत रहती है बीमारियों को रोकने की, उन कम रहने की वजह से इनमें ज़्यादा सीरियस होता है। और डेंगू की वजह से कामुनी होती है, उल्टियाँ होते हैं। और एक पेशेंट जब फोर्थ स्टेज में जाता है, प्लेटलेट कम होते हैं, प्लेटलेट मतलब सफ़ेद खून, जिससे कि हमारे खून को कंधे जाता है, कहीं भी हमको कट गया तो हमारा खून जब का जब रुकता, वो प्लेटलेट की मदद से होता है। ये सफ़ेद खून जो प्लेटलेट है वो लगातार कम होने की वजह से पेशेंट को जान को खतरा होता है। तो एक प्लेटलेट अगर 20,000 से नीचे हो गए तो पेशेंट को एक प्लेटलेट की पैकेट चढ़ाते हैं, जो अभी कम से कम 14,000 रुपये में एक पैकेट रहती है। एक एक पेशेंट ऐसे है जिनको 4-4, 5-5, 10-10 भी प्लेटलेट पैकेट चढ़ा चुके हैं। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक डेंगू की वजह से कितना ये है। और दूसरी बात, डेंगू होने से हम सबकी जिम्मेदारी, डॉक्टर है या हेल्थ इंस्पेक्टर है, गवर्नमेंट है, ये पंचायत है, म्युनिसिपैलिटी है, जो भी है, एक पेशेंट अगर डेंगू निकलता है तो उसके आसपास के 10 घर में ब्लड सैंपल लेते हैं जिसको भी बुखार है। और दूसरी बात, सबको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि डेंगू किससे होता है, कैसा बचना चाहिए, पानी से क्या करना चाहिए, और तीसरा क्या करना है, बुखार आने से पहले ही उनको गोली दे देते हैं बुखार नहीं आने के लिए। ये सब काम करने से, ये गवर्नमेंट की तरफ से और हम खुद भी हमारे इन्वॉल्वमेंट से, हम ये लोगों को इन्फॉर्मेशन देना है कि डेंगू से बचना है। तो मैं इल्तिजा करती हूँ वाड़ी के लोगों से और यहाँ के हेल्थ डिपार्टमेंट और यहाँ पे इलेक्टेड लोगों से कि जितना हो सके उतना लोगों को ये बात फैलाइए कि डेंगू से बचना है। ये एक ही हमारा ऐसा शहर है जहाँ पे बहुत अफसोसनाक है कि इतना इलाज, इतने दवाखाने, इतनी सहूलत, इतने लोग रहने के बाद भी एक मासूम बच्चे की जान चले जाती है। ये एक बहुत शर्मनाक चीज़ है हम सब लोगों के लिए। सिर्फ महज चंद पैसों की कमी की वजह से एक बच्चे का सही इलाज नहीं हो पाया और वो सीरियस होकर प्लेटलेट डाउन होकर उसका इंतकाल हो गया। तो हर एक को चाहिए कि पहले डेंगू से बचे। कोई एक पेशेंट मिला डेंगू से, वो अगर उसको इलाज होने में कोई चीज़ रोक रही है तो उसकी मदद करें। और दूसरी बात, पहले जो चीज़ मैं पहले बता चुकी हूँ जिससे बचना है, सोर्स रिडक्शन जिसे कहते हैं, सोर्स मतलब जहाँ से शुरू हो रही है बीमारी, पानी, वो पानी साफ रखे। और आसपास की गंदगी, जैसे कि हर कोई देखता है वाड़ी में हर जगह नाली, कचरा, कूड़ा, हर जगह जगह ये भरा हुआ है। सिर्फ डेंगू ही नहीं, ऐसे बहुत सारे बीमारियां हैं जो ये कचरा कूड़ा पानी से होते हैं। तो ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि अपना घर और आसपास चीज़ें साफ रखें। और ये हमारी म्युनिसिपैलिटी की भी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि नालियों को साफ करें जो कभी नहीं दिखाई देता है वाड़ी में। तो ये इतनी मेरी बात कहे कि आप सबसे इल्तजा है कि अपने सेहत को ज़्यादा सीरियसली, अपने घर में बच्चे, बूढ़े, औरतें, इनकी सेहत को सीरियस लें और चंद थोड़ी सी बुखार में टेस्ट करवाएं। पहले टेस्ट कराने में ये लोग 2 से 3 दिन करवाते हैं जिसमें ऑलरेडी प्लेटलेट डाउन हो जाता है। अब ऐसे टाइम पे जहाँ पे डेंगू इतना ज़्यादा फैले हुआ है तो थोड़ी सी बुखार, सर दर्द थोड़ा भी है तो टेस्ट करवाइए, शायद गवर्नमेंट में ये टेस्ट फ्री में अवेलेबल है। अगर आपके पास नहीं भी है पैसे या कुछ भी, तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सैंपल लेके जाके गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भी करवा सकते हैं टेस्ट, इतनी सहूलत है वहाँ पर। ठीक है, शुक्रिया।